ये खड़ी भाई देखो कार रॉक्स खड़ी है। कैसे चल रही है? लग रहे लग रहे हैं काफी ज्यादा लग रहे ठीक ठाक काफी हिल रही है ऊपर से छोटी गाड़ी लेने तो अब हम देखेंगे भाई क्या सीन है। फटाफट से टेस्ट ड्राइव करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं भाई अंदर। पड़ गया अटैक हो गया। आ चुके हैं थार के शोरूम पे। ओशो क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं महिंद्रा के शोरूम पे आ चुके हैं। ये देखो भाई एक्सयूवी 700 खड़ी है और ये थार रॉक्स हट बीच में से। भाई ये तो बहुत वाइट लग रही है, बड़ी लग रही है, वाइट में वाइट ही बड़ी है। पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको सिस्टम इसका, काफ़ी बढ़िया लग रही है भाई, कमेंट करके बताओ। नहीं ये इसका दरवाजा, इसमें आधा से लग रहा है टायर में घुसा हुआ है भाई। बाहर से लोग देखो वो इसमें फुल सनरूफ आती है ना, दो जो टॉप मॉडल है। अच्छा टॉप में फुल आती है। बंद करो दरवाजा एक सेकंड, अपना पीछे से दिखाओ। बंद करियो दरवाजा जो बंद, समझ नहीं आ रही क्या। ये देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है। कौन सा कलर ले भाई कमेंट करके बताओ, व्हाइट या ब्लैक। तो भाई अब हम जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव करने थार रॉक्स। पेट्रोल वाली करा रहे टेस्ट ड्राइव, डीजल वाली क्या करोगे? कौन सी करा रहे टेस्ट ड्राइव भाई? पेट्रोल की करा रहे डीजल की? पेट्रोल ही बोला भाई साहब। ये खड़ी भाई देखो थार रॉक्स खड़ी है। ये खड़ी टू डोर डीजल कौन सी अच्छी लग रही है कमेंट करके बताओ। पेट्रोल ही है ना, चलो चलाएं। ये लाइटें इसकी गोल लगा रखी है जी वैगन जैसी। यही है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। व्हाइट ज्यादा अच्छा लग रहा है, व्हाइट ज्यादा बढ़िया लगती है। ये देखो भाई क्या बढ़िया लग रही है। लाइट देखो पूरी जीवागन जैसी लग रही है इसकी गोल वाली है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, इसका स्पीकर चेक करो हार्मन कार्डन के, बहुत बढ़िया टॉप मॉडल है। छह लाख ऊपर होगी ना उससे। ये टॉप मॉडल पेट्रोल है टॉप। हाँ कैमरा इंटीरियर बढ़िया है इसका, लेकिन वर्चुअल लॉक पे वो मैप नहीं चलता। चलता है मैप, चलता है फुल पैनोरामिक सनरूफ है। ये 23 लाख की है, 30.5 सर। सीट बड़ी कंफर्टेबल है यार, पीछे सीट भी स्पेस देखो। हाँ काफी स्पेस है पीछे तो मिलेगी मेरी आई। बहुत स्पेस है आगे आपकी। कितनी जगह भी है आगे? बहुत जगह है, थोड़ी सी जगह से। अरे नहीं यहाँ से नहीं, पीछे पीछे इसको तो कर लो पीछे, ये तो और पीछे कर लो, बैक तो एडजस्ट कर लो, नीचे से आ जाओगे। मैनुअल है यहाँ से, मैनुअल है यही होगा। देखो है पीछे कर लो,
और पीछे करो। नहीं नहीं ये अपना एडजस्ट कर लो ना, ये ज्यादा आगे हो गया। ठीक है अब दिखाइए। मैं 6 फुट का हूं। 6 फुट का है तो बहुत स्पेस है, बस बैठ जाओ। सही है मुझे। मैं आप चल कैसे चल रहे? झटके नहीं लग रहे? पता नहीं कहां से तुझे लग रहा है। पीछे हल्के लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहे हैं। काफी ज्यादा लग रहे हैं। ठीक ठाक है, काफी हिल रही है। ऊपर से हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रही होगी। नहीं नहीं वर्टिकल हिल रही है। ये मोड कौन सा है? वैसे कंट्रोल कैसा? स्टीयरिंग तो लाइट किया होगा। बहुत लाइट है। इनकी कर्व तो पिट गई है ना? प्रोग्रेसिबल लिखी है वैसे खड़ी है। पॉइंट ये नॉर्मल मोड पे तो एकदम उठने रही, थोड़ी लैग आ रहा है भाई। इतनी उठ रही है बहुत है। हैं इतनी उठ रही है? पावर मोड होगा ना? हमने जिम में भी पावर मोड है ना, वो ड्राइव मोड हो रहा है ना। ये वो ड्राइव मोड है ना। ट्राई करो, मैप चेक करोगे? जूम करो, जूम लगाओ। देखो जूम आ गया ना? नहीं आ नहीं हुआ। करो दोबारा, ऊपर करो, ऊपर नीचे नीचे स्मॉल हो गया। वो जूम दबाओ ना स्क्रीन पे, स्क्रीन पे आ रहा है वो दोबारा। हां ये दबाना होगा, मतलब अब लग गया। ओहो जूम मोड, जिप जैप जूम। अब मेरा नहीं डाला जिप जैप जूम। ये बंद भी हो जाती है ये माइंड वाइब्रेटर। अच्छा जिप पे धीरे चलेगी साहब? पता नहीं साहब उड़ेगी। नहीं गाड़ी खड़ी इधर, ये दिक्कत तो नहीं है यहां? नहीं कोई दिक्कत, यहां सही जगह लगी है। कुछ तो है बड़ी रोक लो। मैप्स तो बड़ा करो। हां सेम वही स्टीयरिंग से हो। ये तू देख के जो बैठेगा वही है। इसके कंट्रोल कहाँ से है? ये जो मीटर है, डीजल मीटर नहीं, सारी मीटर में एक ही होता है। यही यही है जो पैरों में है। हाँ यही होगा जो ऊपर गया। इसको बड़ा भी कर सकते हैं शायद। हाँ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। नीचे वाला बटन दबाओ। ये दबा रहा हूँ। नीचे वाला बटन, नीचे हो जाता है, बड़ा हो जाता है। एडास कैसे चल गए? एडास है इसमें, ब्रेक लग जाए अपने आप हटाओ। बेस मोड में नहीं होगा, बंद ही होगा। एडास ऑफ। एडास क्या अपना स्टीयरिंग मोड़ती है? अपना मोड़ती है और ले ले फिर ये टॉप आते हैं। अब ऑटो क्रूज कंट्रोल क्या एडास किसी काम पे? अपना ब्रेक भी मारती है। 360 होगा इसमें। फॉग में काम है एडास, फॉग में आगे निकलता है। एडास भी है फॉग में काम करता है। बिना फोर व्हीलर ये सनरूफ, ये बाहर में ये पूरा खोलना भी है। बहुत महंगी है सनरूफ। इसमें छोटी है पूरी है? पूरी है। नहीं नहीं ये नहीं, कटन सनरूफ बड़ी है लेकिन 6 लाख का है। डीजल में एक्सएल 7 में है सब बोलना है। ये कटन जूम में गई ना वो जो इसका प्रॉब्लम थी लैग वाली। इनका डीजल खड़ी है स्टॉक में, इंजन छोड़ दिया। क्रेटा से भी शॉर्ट कर दिया। हां गाड़ी तो बहुत हो गई, अब लग रही है वो पुराने जमाने वाला टाइम गया। अब नई गाड़ियों को टक्कर देने के लिए बना दी उन्होंने सेट पूरा। ऐसे फर्स्ट गाड़ी बना दी, पहले सेकंड ली थी गाड़ी थार। ये गाड़ी होती थी, आप देख लो प्रॉपर ही इसे के लिए भी, दबंग के लिए भी यूज कर सकते हो। दबंग हां सेट कर रही है, ब्रांडिंग कर रहा है मगर। और थार फैमिली ये ब्रांडिंग कर रहे हो सारे लोग कर सकते हो। बोल रहा हूं सर ब्रांडिंग है, सेट कर दूंगा, सेटअप कर दूंगा। सस्पेंशन ज्यादा लूज भी कर देते तो बेकार हो जाती थी। हां है कौन ठीक रखी हुई है अभी वाली है, सोच समझ के बनाई। कितना पहले अभी देखो ये ओल्ड ओल्ड चार महीने पहले चार महीने पहले आई थी। कहा जाएगा उतना सीख अभी तो आई है। सही बात है, वही है लो मारले मरुति नहीं ये नहीं सुनते कर रहा मैं कह रहा हूं। पर बना बहुत टाइम से है ना, उनको गाड़ियों की बहुत एक्सपीरियंस है। किसको एक्सपीरियंस? इसमें गियर का स्पोर्ट बोर्ड भी है। 60-70 साल से बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? होंडा ही किया वाले। मेरे सीट रिक्लाइन नहीं हो रही है उतना। तो ये पेट्रोल है अंकल? पेट्रोल हां पिकअप देखो ना फुल है। सही है गाड़ी नहीं है जितना। यार सीट
स्टीयरिंग एक हाथ से चलता है, एक ही गाड़ी चाहिए। भैया अभी देखो दशहरे दिवाली में तो ये गाड़ियाँ हो रही है डिलीवरी, वेटिंग तो मान लो कम से कम 8-8 एक साथ की। इनके पास 8 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसमें मैनुअल है, फोर फोर नहीं है, ऑटोमेटिक होती तो क्या लेनी किसको। ठीक ही है, गाड़ी की कम तो नहीं है, अंकल फॉर्चुनर वाला मजा दे रही है, हाइट वाइट और कंट्रोल में सही हो रही है। अब नहीं लगा झटका, पहले लग रहा था बहुत ज्यादा, आ जाएगी बस, पहले बहुत ज्यादा आएगी सर। अब ब्रेक कम लगी थी मुझे थोड़ी सी, पांच बंदे हैं, फुल करी है ना, फुल लोड में है, हल्की सी कम थी। हेलो, अब पूरा 20 लाख में इतना देंगे यार, 50 लाख से गाड़ी तक चार और डेज का है सर। इंक्वायरी करी थी आपने 400 की, ऊपर कर दो शीशा। सेदान शीशा ऊपर कर लो भाई, क्या हो गया, मैं शोर आ रहा हूँ। राइट टू लेफ्ट हार्ड है, सॉफ्ट है, सीट हार्ड लग रही है, नहीं वो भी खुलेगी। और डाल दे डाल दे हाँ डाल दे, सबको सबको डलवा दिया सो। डीजल की सस्पेंशन और हार्ड होगी थोड़ी, इससे स्मूथ है गाड़ी, इंजन भी अच्छा है, आवाज नहीं है, कह रहे हैं इंजन की आवाज नहीं, इंजन तेज हो गया। बताओ इतने में ये जिम्मेदारी ले ली थी आपने, अच्छी थी इसे, महंगी ली थी ना, 18 की ली थी, 7.5 तो वो तो ऊपर है इसकी, कौन कर छी भाई, लेकिन टू व्हीलर और फोर व्हील, फोर व्हील से क्या होगा, ये क्या उड़ा दिया पानी की बोतल की प्लास्टिक, ठीक है कोई कमी नहीं है। और फॉर्च्यूनर वाला मजा लग रहा है ना, ऊंची गाड़ी और पिकअप ऑलमोस्ट, पिकअप कैसी है फॉर्च्यूनर, पिकअप तो बहुत कम है, कम है हां हां, वो डीजल की टॉर्क है। नॉर्मल लिए पे ये देखो भाई, वाइट कलर नाइट लुक वर्सेस ब्लैक कलर, वाइट वर्सेस ब्लैक, कौन सी ले भाई कमेंट करके बताओ। गाइस मैं होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो और अमेजिंग ब्लॉग देखने के लिए, एंड कमेंट करके बताओ भाई ब्लैक कलर लें या फिर वाइट कलर लें। बाय बाय।